आप सभी को नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह। एक बार फिर से आप सभी का यूपीएस न्यूज 24 में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की ओर। आपको बताते चले, मामला बरेली के किला मोहल्ला फुलबाग किला छावनी की पीड़ित बेटी का है। आपको बता दें, पीड़ित बेटी का आरोप है कि मेरे ससुरालियों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पीड़ित बेटी ने बताया कि मेरी जिस लड़के के साथ शादी की गई वह बचपन से ही नामर्द है, जिसकी जानकारी मुझे शादी के बाद हुई। उसने बताया, मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया। सुहागरात के दिन जब मैं उसके पास गई तो उसने अपने स्थान पर अपने बड़े भाई रामकुमार को मेरे पास भेज दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की, जिसके बाद मेरे परिजनों ने पहुंचकर मुझे उनके चंगुल से छुड़ाया। और अब न्याय के लिए पीड़ित बेटी 2 दिन पहले SSP बरेली से मिली। SSP बरेली ने पीड़ित बेटी को न्याय का आश्वासन देकर वापस घर भेज दिया। देखते हैं पीड़ित बेटी को किस प्रकार SSP बरेली दिलवाते हैं न्याय। आगे की लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, हर खबर सबसे पहले। मेरी शादी 9 जुलाई को हुई थी। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ, क्यों आपको घर से निकाल दिया, क्या क्योंकि क्या क्योंकि मेरे पति नामर्द है, वो मेरे साथ किसी भी इनके पति इस लायक नहीं थे जो कि मतलब इनके संग में लेटते बैठते या इनके संग में सारी संबंध करते। जब मेरी बेटी ने मुझको ये सब कुछ बताया तो मुझे बड़ा दुख हुआ और सुनते हुए मैं अपनी बेटी के लिए रोने भी लगी, प्रकार करा। लेकिन उस बेटी ने जब दोबारा दूसरे दिन को फिर हमको ये सूचना दी कि मम्मी जी हमारे सगे जेठ ने हमारे संग में गलत कुकर्म करने की कोशिश की। कितने बार गलत काम करने की कोशिश की? सर 2-3 बार की मेरी। 2-3 बार जी सर। तो उसके बाद बेटी ने क्या बताया आपको? बेटी ने ये कहा कि मम्मी हमारा आदमी जो है उस लायक नहीं है, वो एक मतलब किंजर है, मम्मी जी वो अच्छा नहीं है, मम्मी वो उस लायक उसका शरीर नहीं जो कि एक आदमी के शरीर होना चाहिए। तो उन इसको बेटी को मारा तोड़ा कि तुम अपनी माँ से बताएगी, कहेगी माँ से शिकायत कहेगी बताएगी सर। उसने फिर ये जब कहा कि नहीं तो कहा हम जान से तुम्हें मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। जबरदस्ती जब काम करने की इससे कोशिश की, मुझे पता चला मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई तो उसके बाद मेरे घर में फ़ोन आ रहे उन लोगों के घर में, आके घर घुस के हम लोग को धमकी देते जान से मार डालने की। सर अब हम लोग सर हमारा छोटा परिवार सर, हमारा बेटा छोटा बेटी है, जो कुछ सब कुछ रखने के बाद हमारी बेटी हमारे घर से अलग। ये जानने की जरूरत है जो बात कर रही है, ये पीड़ित एक विधवा महिला है जिनके पति गुजर चुके हैं, एक बच्चा है और खाने कमाने वाला कोई नहीं है, और ये न्याय के लिए तड़प रही है, बरेली पुलिस से गुहार लगा रही है, योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है कि हमें न्याय मिले। जी बहन जी बताइए। हमारा न्याय करा जाता बेटे जैसे तैसे, अब इस बेटी की आज जिंदगी खराब हो गई सर, उन लोगों ने हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। हम सब आप लोगों से न्याय मांगते, हमारी बेटी का न्याय करके सब यूपी जो जेल भेजा जाए और हमारा सामान हमें वापस दिलाया जाए। योगी आदित्यनाथ से अपने साथ हुई नाइंसाफी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर हम यही कहना चाह रहे कि उन लोगों को जेल हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और सर जो हमारा सामान है वो हमारा बेटी का सामान सब वापस दिया जाए। सर आप लोगों से यही हाथों का हमारी विनती, हमारे लोगों का न्याय कर।